नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंट्रिक्स न्यूज को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, ये वही वसीम रजवी है जो कुरान मजीद की 26 आयतों को हजफ करने की बात कही थी। वसीम रजवी पर ड्राइवर की बीवी की इस्मत रेजी करने और वीडियो निकालकर ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम है। लखनऊ से सादतगंज थाना पुलिस स्टेशन में इस खातून ने दिया है एक कम्प्लेंट, जहां इंस्पेक्टर ब्रिजेश मिश्रा ने इस मामले की तहकीकात करने का दिया है तहखुन। इस खातून ने यह भी कहा कि वसीम रजवी नशे की गोलियों के भी आदी है। आइए सुनते हैं मुतासरा खातून और उसके शोहर की जुबानी। मजीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंट्रिक्स न्यूज से और कमेंट जरूर करें। परेशान ना होइए, परेशान हो आपको न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे दादा शाही करता है वो, कहने लगा चाकू दिया गया महिला में दिखाई दे मार दे, हमने मार देना, जो होगा देखा जाएगा। वसीम रजवी के खिलाफ आज आई है, हमको मारा आज बदतमीज आदमी, एक नंबर का वो, इसको गोली खाता है नशे की, इनको मारा उनकी हमारा खाली करा दिया, घर शिया घर का है वो, शिया की जगह पर बोर्ड का चेयरमैन, ये उनकी बात की प्रॉपर्टी नहीं जो खाली करा ली, हम की जगह पे रहते हमने बदतमीज आदमी, एक नंबर का वो, इसको गोली खाता है नशे की, इनको मारा उनकी हमारा घर खाली करा दिया, घर शिया उनकी बात की पॉवर्टी नहीं जिन्होंने खाली करा दी, हम ऑल इंडिया की जगह पे रहते उनके ड्राइवर नहीं, हम गाड़ी चलाते पर्सनल गाड़ी भी चलाते थे और बहुत बदतमीज है। आप भी कहेंगे हम न्यायपालिका जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। अरे न्याय आपको मिले जाएंगे, आपके साथ क्या हुआ बताइए, कैमरे बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज बहुत उतर जाएगी, पब्लिक बहुत आएगी आपके साथ में, दर्द दिया जाएगा, पूरा शहर आपके साथ में, सारे वकील साथ में, आपके लोग हैं वो सब आपके साथ हैं। आप अपनी पूरी घटना बताइए कि क्या किया आपके साथ में। सारे वकील जाए और लोग उनको चेयर दिलवाइए, पीड़िता को चेयर दिलवाइए, आज वीडियो देने ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.